हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज दे ब्लॉग च मैं कवर करन जा रहा हाँ डलहौज़ी नूं। ये मेरा इकनोमिकल ट्रिप चो एक ट्रिप दी सीरीज़ है, दूसरा ट्रिप है मेरा। है इन्हें इकनोमिकल सीरीज़ का मेरा परपस ये होंगे ताकि लोग अपनी फैमिली ना ट्रिप प्लान कर सकन, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। करके मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करता रहना हूँ कि कितने खर्चा घट होगा, तो लोग अपनी फैमिली ना इंजॉय कर सकते हैं वीकेंड के विच जो कुछ प्लान करना चाहते हो। आई होप तुम सारी इस वीडियो को लाइक करोगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाओ। छः घंटे की जर्नी तो बाद मैं डलहौज़ी पहुँच गया। इतने आके वैदर बहुत सोहना लग्या मैनू, ना ज़्यादा ठंड सी ना ज़्यादा गर्मी, काफ़ी अच्छा वैदर लग्या। फिर मैं मार्केट में एक्सप्लोर किया, इतने बहुत कुछ है इतने बाय करने सुवीनियर्स वगैरह, या जो तुम अपनी फैमिली को गिफ्ट देना चाहते हो तो सारी कुछ अवेलेबल है। इस रेस्टोरेंट का मैं खाना बहुत ही लग्या, मैं इतने इंजॉय किया मैच भी शेरे पंजाब। फिर उस तो बाद मैं मार्केट चला गया जो कि आप व्यूज उसके मार्केट के। इस मार्केट जो मैंने बेस्ट चीज़ लगी वो यही सी, क्योंकि इतने गेमिंग जोन भी है, बच्चों का भी चंगा एंटरटेनमेंट हो जाता जिम्मे कि तुम देख रहे हो, तो करके पेरेंट्स भी बेफिक्र हो जाते हैं। इस तो बिना जो तुम होर भी स्टॉल डाउन करके अगर जाओगे तो इतने बहुत सारिया वधिया चीज़ें तुम्हें मिलनगे। चर्च भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत पुराना है, काफ़ी सोहना सी देखने को। मार्केट के एक टंडन फूड कॉर्नर है, इसे तुम तंदूरी चाय इंजॉय कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगी, सारे तरह के कुल्हड़ पिज़्ज़ा वगैरह जो भी तुम स्नैकिंग वगैरह करी थी कर सकते हो। प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। ईवनिंग वैदर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ठंड हुई सी, फिर मैं अपनी अकोमोडेशन चला गया होटल लगा जितने मैं अकोमोडेशन कमरा लिया था। इसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बहुत ही लगी है, एक्चुअली बनी खेत चाहे 6 किलोमीटर पहले से सोनी थी ब्लू मैगनेट। हॉस्पिटैलिटी बहुत वधिया, रूम्स काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन ने, कोई कंप्लेन नहीं इतने, तुम रुक सकते। का ड्राइवर वीर बेचारा सुता पे सी अपना गड्डी, काफ़ी टफ जॉब आया ड्राइविंग के भी, हैट्स ऑफ टू दीज गाइस। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वापस आ गया, तो वासी मेरी सारी इकनोमिकल ट्रिप डलहौज़ी की। तो मैं तुम्हें दस दिना है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सी, रूम्स का खर्चा जो सी 2000 रुपये से, स्नैकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। फिर बना के ट्रिप भी प्लान करो, अपना अकोमोडेशन वगैरह करके सारा कुछ अपना करने से,
ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਊਗਾ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰਲ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।